अभी जो है 10 बज रहे हैं और हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, बहुत ज्यादा। ब्रांड न्यू व्लॉग, क्योंकि जो है इतना ज़बरदस्त टाइम है मैंने और हम तीनों जिठानी देवरानियाँ जा रहे हैं शॉपिंग पर। और इसको देखें, इसको बर्गर खाना है, इस चूहिया को बर्गर खाना है। हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग, अभी आ रहा, हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग पर क्योंकि चीज़ें लेनी थी। वैसे इतनी ज़्यादा शॉपिंग होती नहीं, हम लोग जा रहे हैं बच्चों के कुर्ते और थोड़े बहुत कपड़े लेने के लिए और एक एक सूट अपना भी लेने के लिए। तो इस वक्त जो है हम लोग खा रहे हैं रिक्शे में बैठ के बर्गर, हम तीनों रिक्शे में बैठ के बर्गर खा रहे हैं। दोनों खा रही हैं, मुझे नहीं खिला रहे ये लोग। ये देख, नहीं नहीं मेरा ये रहा, मुझे याद नहीं था मेरे ही हाथ। ओ भाई कसम से मुझे याद नहीं था, मुझे लगा वो लेने गया है मेरे लिए। मेरा बर्गर मेरे ही हाथ में था, मुझे याद नहीं था। तो इस वक्त हम लोग रिक्शे में बैठ के इंजॉय कर रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ पूरा दिन रहिएगा, मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्ती मार्केट विजिट करवाऊँगी और दिखाऊंगी कि कितने रीजनेबल प्राइस में हमने करवाई थी वो मार्केट विजिट। हाँ तो मैं क्यों बताऊँ इन लोगों को। तो हम लोग जो है वो शॉप आप लोगों को विजिट करवाएंगे मार्केट, जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे कपड़े आप लोगों को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून। मैं आई हूँ मदीना सिटी मॉल और वहाँ से यहाँ पे एक शॉप है जहाँ से आप देख, मैं आप लोगों को दिखाऊँ मैंने कितने अच्छे अच्छे एजल के लिए शर्ट्स लिए हैं और कुछ फ्रॉक्स हैं और कुछ रॉम्पर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। और अभी पैसों की बात नहीं, अभी पैसे भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में हमें पैसे चीज़ मिल जाती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर इन लोगों के पास बहुत से हो मतलब सारे होल सेल में। यहाँ पर मैं मदीना सिटी मॉल आई हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थोक में आप लोगों को कपड़े मिलेंगे। आप क्या कपड़ों का देख सकते हैं रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब आप निकलवा निकलवा के थक जाएंगे और आप लोग पागल हो जाएंगे आते। तो यहाँ पर ये एक मैंने एटाइज निकलवाया, आप लोग अक्सर पूछते हैं मैंने अपनी एजल के ड्रेसेस कहाँ से लिए। तो मैं आ जाई हूँ मदीना सिटी मॉल में, आप ये देखें ये सब टाइज मैंने निकलवाए क्योंकि टाइज एज़ यूजुअल हमें ऐसा होता है नाइट वेयर कर देते हैं या कुछ भी बच्चों को एज यूजुअल पहनाने के लिए आते हैं। और ये रॉम्पर जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखिए और शर्ट टर्न करके दिखाएं, ये देखिए ये इस तरीके का ये है। जब मैं वेयर करवाऊँगी, ये मैंने ईद के लिए लिया है एज़ल के लिए, आप ये देख सकते हैं हम तीनों ने लिया, हम तीनों जिठानी देवरानियों ने लिया है तो इन लोगों को नहीं लिया। तो ये जो है मैंने इस तरीके का, ये मैंने रॉम्पर लिया है, ये मैंने स्कर्ट लिया है, आप ये देख सकते हैं किस तरीके के ये इस तरह से अंदर मतलब शॉर्ट और ऊपर से। और ये मैंने इसके साथ ये शर्ट लिया, भाई शर्ट रख के दिखाएं, ये देखें ये इसके साथ ये शर्ट है और इसके स्लीव जो है चिकनकारी पे, जो कि मेरी मोस्ट 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 फेवरेट है। तो ये देखें ये इसका पूरा कंट्रास्ट बन गया। और ये देखें इतनी क्यूट सी फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो की ये टी शर्ट है और H&M इसका ब्रांड है, और H&M तो आप लोग सब ब्रांड जानते होंगे। ये देखें ये चीता प्रिंट जो कि सदाबहार होता है, एज़ यूजल हर मौसम में चलता है, 24 मंथ्स चलाने बैठ गई मैं, ये 12 मंथ्स जो है चीता प्रिंट मतलब सदाबहार है, हम इससे सदाबहार कह सकते हैं। और सबसे अच्छी देखें ये मुझे एक चिकनकारी की शर्ट मिली है, यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर इस तरीके का लगाया हुआ है और ये सारा इम्पोर्ट का माल है ना, ये सारा इम्पोर्ट का माल है जो कि बांग्लादेश से आता है और बहुत ही अच्छी प्राइस में हम लोग को मिल जाएगा, जो कि ये भाई साहब हमें देंगे। और ये मैंने एक एजल का पिकनिक वेयर लिया है, मतलब हम आपको पता है ईद पर लाजमी हम पिकनिक वगैरह पर जाते हैं
तो इस तरीके का मैंने इसका ये रोमपर लिया है। इसकी बैक इस टाइप की है, ये देखिए इस टाइप की है। और एक मैंने ये कैजुअल मेजल की है फ्रॉक की है, क्योंकि बच्चियों के कपड़े समझ लें कहते हैं जितने लो उतने ही ज़्यादा कम, और आजकल इस टाइप के फ्रॉक्स बहुत चल भी रहे हैं, नीचे फ्रिल हो। और ये देखिए इतनी क्यूट है स्ट्रॉबेरी वाली, रखें ये स्ट्रॉबेरी वाली कितनी क्यूट है, ये देखें इस तरीके से इन्होंने ऊपर पंच किया हुआ है, और ये इस तरीके की स्ट्रॉबेरी वाली, और ये देखें कितनी खूबसूरत सी एक फ्रॉक है, ये देखें और इसका घेर भी ज़्यादा है, इसका घेर भी ज़्यादा है, ये देखें घेर भी ज़्यादा है। मैंने अपनी एजल के लिए लिए हैं, और सबसे अच्छी ये वाली देखें, ये देखिए इसमें जो इस तरीके, मतलब हम चाहें तो जीन्स के ऊपर भी पहना सकते हैं, या स्कर्ट वगैरह के अंदर, हम टी शर्ट ले लें, और चाहें तो ब्लैक टाइज या वाइट टाइज लगाएं, और ओवरऑल किसी पर भी। वैसे मैं चाह रही थी इसके नीचे आप येलो स्कर्ट दिखाएगा, ये वाला अभी देखना लगा के दिखाएं, ये देख भाभी लेकिन प्यारा लग रहा है ना पूरा सूट। ये देखें मैं इस तरीके का, मैं इनसे शॉर्ट साइज़ में छोटे साइज़ में निकलवाती हूँ फिर, ये देखें ये पूरा सूट बन गया, और बहुत ही रीज़नेबल है। मैं प्राइस नहीं बता सकती क्योंकि जाहिर है आप लोग जब आएंगे सबको उन्हें अपना प्रॉफिट भी रखना होता है, किसी को क्या बता रहे हैं क्या नहीं, बट आप लोग मदीना सिटी विजिट ज़रूर करें। शॉप नंबर क्या है? 67 शॉप आफरीन गारमेंट्स, आफरीन गारमेंट्स इनकी शॉप का नाम है। शॉप नंबर 67 इनका शॉप नंबर है। ये सब ये सारे टाइज भाभी आपके हैं? ये सारे टाइज लिए हैं इरम भाभी ने, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए टाइज। ये वाला देखिए इतना प्यारा वाला, ओए भाभी कितना क्यूट है। स्ट्रॉबेरी वाला छोटा नहीं है? हाँ स्ट्रॉबेरी वाला छोटा है। हाँ ये देखिए सब टाइज जो इरम भाभी ने लिए, और ये सब फ्रॉक्स चेंज चेंज भी लिए हम लोगों ने, मतलब हम लोगों की ज़्यादातर कोशिश होती है हम लोग सब एक जैसे बनाए। ऑरेंज वाले ली थी, ये दिखाएंगे, ये देखिए कितनी प्यारी सी फेरी फेरी शर्ट है। और एक ये लाइट पिस्ता ग्रीन, और ये मेरी नकलटी भाभी देख रही है, और ये कौन से कलर के लाएंगे? मल्टी, हाँ मल्टी शर्ट। और एक ये देखें ये इसमें किस तरीके से डिज़ाइनिंग दी हुई, कितनी प्यारी लग रही है सारी शर्ट। अटे अब हम लोग पीने लगे मज़ेदार सा लीमू पानी इन अंकल से। और क्या है, और हमें आ रहे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई। पड़ चुके हैं आगे, और मैं आप लोगों को दिखाने लगूँ तो यहाँ पे आपको हर तरह की जीन्स भी अवेलेबल मिलेगी। एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे लेडीज़ वेयर हर तरह की वैरायटी है। ये देखिए ये मतलब क्या बोलते हैं, तो मैं जीन्स भी पहनती नहीं थी, मुझे नहीं पता, तो मुझे अच्छी नहीं लगती मेरा अपना पर्सनल है। ये देखें ये कार्गो स्टाइल जीन्स है, तो ये तो बड़ी फिटेड है ना। और ये उसके क्या प्राइस है अंकल? 1100 रुपये बताने के और देने के, देने के 1000, मतलब 1000-1000 रुपये में आपको ये डेनिम की इंपोर्ट की पैंट जो है कार्गो वगैरह सब मिल जाएंगे। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, ये शॉप मैं आप लोगों को वैराइटीज ऐसे भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि जैसे यहाँ पे किस टाइप के कपड़े मिलते हैं। तो हमने एक और शर्ट ली है भाभी, रखिएगा एक ये लिए, ये देखिए कितना प्यारा सा वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, और एक ये वाइट कलर की ली है हमने, और एक ये फ्रोजन ली है, और एक ये भाभी बोलिएगा ये लिए। और यहाँ पर जो ये सारी शर्टें मिल रही हैं वो हमें 700 की मिली। ये वाली यहाँ पर एक रोमपर दिखाती जब मैं चलूँ, जो कि इतना ही खूबसूरत लग रहा है, और ये देखें इतना क्यूट सा इम्पोर्टेड रोमपर है, और ये किस ब्रांड का है आई थिंक, ये देखें ये बाहर का कोई ब्रांड है, ओबी पता नहीं क्या लिखा है, फलाना डिमाका डिमका ये वो कुछ ऐसा, और ये फ्रांस का है ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डिज़ाइन इन फ्रांस। और ये वाकई बहुत ज़बरदस्त जो ये रोमपर है, ये मैं आया हम आयरा का देख रहे थे, तो अब देखते हैं इसमें कितने की बात बनती है। भाई आप कितने तक का देंगे? ये मेरी बहन ये 850। नहीं आप सही लगा भाई, सही लगा ले। सही लगा 600 सही है, मॉडल मदर केयर का ये। हाँ 600 का लगा लें, मेरी बहन स्टोर के अंदर है ना, ये 2000 का छोटा सा, वो भी सेल में। हाँ बस 600 का लगा लें। नहीं नहीं 800 नहीं, हमारी बार्गेनिंग चल रही है, और हम अंकल को 700 में डन कर लेंगे, ठीक है।
पी कैट है, इतनी कॉपी कैट है मेरे, जो मैंने ड्रेस लिए है ना दिखाए तो मैंने कौन कौन से लिए भाई, एक मिनट दिखाएगा शर्ट है, दिखाएगा भाई वाली शर्ट मैं भी लूंगी अभी वाली, तुम क्यों लोगी, दिखाएगा जरा ये देखें, ये मैंने एक ये शर्ट निकाली है फ्लेमिंगो वाली सही, इसमें नीचे खोल के दिखाए, मैंने दिलाई है वो भी नीचे रखे ना, ये तो अपना नाम पहले करेंगे, ये देखिए एक ये लिए मैंने और एक ये लिए सही है, और इन्होंने ये फट से बोला भाई साहब मुझे भी निकाल के दे, देखो इन्होंने छुपा दी, ये देख ये देख, मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे जो टाइज हैं ये सारे मानो, एक मिनट पकड़ना है शॉप पर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे टाइज मिलते हैं, मैं अपने टाइज जो है सारे यहीं से ही लेकर जाती हूँ, यहाँ पे सारे ब्रांड के टाइज होते हैं भाई, खाड़ी और गुल अहमद वाली जो देखो दिखाइएगा जी, यहाँ पर मेरे पास जो है ना खाड़ी है और गुल अहमद में वाइट है, अच्छा हाँ वाइट और ब्लैक ही है ना आपके पास कलर है, ये देखो इनके पास खाड़ी में और गुल अहमद के आइडियाज़ के इनके पास टाइज होते हैं, और वो होते हैं मैंने लास्ट ईयर जो है 500 की टाइज दी थी, और अब मैं इनसे पूछती हूँ अब इन्होंने कितने रेट कर दिए भाई, क्या क्या रेट है आपके पास खाड़ी 650 का खाड़ी गुल अहमद 650 जी, और अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो ये 550 तक का दे ही देंगे है ना, नहीं है इतना भी ऐसा नहीं है, इतना ही ऐसा है, और ये शॉप इनकी मतीन सेंटर पर है, और शॉप नंबर G39 सॉरी मदीना मार्केट, भाभी मैं सबको मतीन सेंटर बोल रही हूँ, मदीना सिटी मॉल पर है, और ये सारे ब्रांड के टाइज हैं, मैं आपको इनके दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पे खाड़ी के टाइज मिलते हैं, आपको सीधा करके दिखा दूँ बोलेंगे उल्टे दिखा रहे, ये देखें सारे खाड़ी के टाइज हैं, क्योंकि मेरे पास है मुझे लेने नहीं है, भाभी समागे के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस में आपको टाइज मिलेंगे हर तरह में हर कलर में, और ब्रांड के भी मिल सकते हैं, ठीक है ये आप शॉप देख सकते हैं, जो है 10 बज रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये मैंने ये शर्ट्स लिए हैं, अच्छा ये बैग था, ये फ्रंट था, अच्छा ये फ्रंट था, अच्छा ये फ्रंट था, ये बैग था, मैं जब से उसको फ्रंट समझ रही थी, सॉरी भाई, तो वैसे आप अपनी जुल्फ के ऊपर कर लेंगे ताकि हम देख सकें, ये हमने एक शर्ट लिए, एक ये शर्ट लिए, ये देखिए और एक ये प्ले गेम वाली शर्ट लिए, अब क्या रेट दे रहे हैं इसके देने वाले बोलिएगा, विदाउट बार्गेनिंग, नहीं 800 नहीं, देखो यहीं पर 800 नहीं, ये देखिए हमने इसको कहाँ लिटाया, आयरा हाय से हाय नहीं 800 के हिसाब से नहीं, सही वाले रेट लगाएं, समाप्त यहाँ पे एजल की जो है सारी चीज़ें ले ली हूँ, सारे पैसे ज़्यादातर एजल में ही लग गए, तो ये शॉप है, ये भाई साहब हैं, इनसे हमने सारी चीज़ें ली, इनका मुँह नहीं नज़र आएगा आपको, सिर्फ इनके बाल नज़र आएंगे, तो अब हमारी शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट, हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, और भाभी वहाँ पर गई हैं KBC रेस्टोरेंट पर जो है खाना लेने के लिए, हाँ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और अब बज चुके हैं रात के 11, घर जाके देखो कितनी सुनने को मिलेगी, क्या बस